जागो रे देखो रे दुनिया ए देखो रे गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो अभी टाइम हो रहा है 2:09 और अभी हम चल रहे हैं तिवारी जी को रेलवे स्टेशन लेने के लिए, क्योंकि उनकी ट्रेन पहुंचने वाली है, 2:40 में पहुंचनी थी। तो फिर निकलते हैं यहाँ से और उसके बाद हम घूमेंगे कहाँ कहाँ। सबसे पहले जाएंगे हम सिटी पैलेस, फिर जाएंगे जगदीश टेम्पल और फिर एक जो कल्चर शो होता है वहाँ पर उसको वो देखेंगे, और फिर जो लेक साइड पे घाट वगैरह है वहाँ पर जाके थोड़ा चिल करेंगे। ठीक है, आज का यही रूटीन है सारा, क्योंकि कम टाइम है, 2 बजे गए हैं। सिटी पैलेस ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा, सबसे मेन वही है, और बाकी तो जो जो होगा वो आप देखोगे ही। और मैं अच्छे से नहा धो लिया हूँ, फ्रेश हो गया हूँ, अब मैं बस यहाँ से ऊबर बाइक करूँगा क्योंकि मेरे को अकेले को जाना है। अब बाइक यहाँ पर बहुत जल्दी पहुँचा देती है। ठीक है, तो आपको मिलते हैं हम आगे। चलो ओ भाई साहब, तो बड़ी धूप हो रही है यार, यहाँ तो एकदम लग रहा है समर टाइम पे आ रहा हूँ, जुलाई जून में, जून जुलाई में आ रहा हूँ एकदम। तो ये यहाँ से अपना ये था 101, ठीक है, और अब चल रहे हैं हम नीचे। सब रख लिया है, रख लिया है, मास्क वास्क लगा लिया है, ठीक है, चलते हैं। पहले तो बाइक करते हैं, बाइक होगी उसके बाद तो फाइनली 4000 साल बाद भाई तैयार होने में इतना टाइम लगाया इसने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत टाइम लगा है। चलो फिर भी हम लोग लेट तो हैं, बट कोई बात नहीं, चलते हैं। पहले सबसे पहले खाने जा रहे हैं कुछ, उसके बाद चल रहे हैं सिटी पैलेस। सिटी पैलेस के बाद देखते हैं क्या सीन है, घूम पाए इतने घूम पाए। पहले गाड़ी है, ये देखो यहाँ पर ब्यूटीज। तो अभी आपने देखा था, मैं सुबह सुबह उस साइड था उस घाट पर लास्ट ब्लॉग में, अगर नहीं देखा था देखो, उस समय बहुत मज़े करें। और ये कुछ अगर तारे नहीं होती तो ज़्यादा सुंदर लगता भाई, सही में ये कुछ वैसा वाइब दे रहा है यार। हमको नाम नहीं, वेनिस नाम है शायद उस जगह वैसी। और मैं ये रहा, बहुत धूप है यार, गर्मी लग रही है, दिल्ली में तो ठंड लग रही है, यहाँ गर्मी लग रही है। तो भाई यहाँ पर आए हम खाने के, इसके रिव्यू अच्छे थे इसलिए आया हूँ मैं यहाँ पर। तो भाई यहाँ की फेमस डिश दाल बाटी चोखा, दाल बाटी चूरमा खा रहे हैं, दाल बाटी चूरमा। तो यही खा रहे हैं, अभी टेस्ट करते हैं फिर आपको बताते हैं ये कैसा लगा। तो भाई सीन चेंज हो गया अभी खाना खाने के बाद, खाना बढ़िया था एकदम मस्त, मज़ा आ गया एकदम खा के। सीन क्या हुआ है कि सिटी पैलेस नहीं जा रहे आज, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, लेट हो गया, और अभी जा रहे हैं जगदीश टेम्पल, उसके बाद एक जो शो है वो देखने, फिर घाट पे जाएंगे, सनसेट देख भी, सनसेट पहले देख लेंगे फिर शो देखेंगे, ऐसा आपको मिलता हूँ आगे। तो ये है जगदीश मंदिर, है जगदीश में बहुत पुराना मंदिर है, इसकी पूरी एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। इंडो आर्यन स्टाइल में 1651 में महाराजा जगत सिंह ने ये मंदिर वास्तु शास्त्र को ध्यान में रख के बनवाया था। एंट्री करते ही गुरु की पीतल की मूर्ति आपको दिखेगी और उसी के बिल्कुल सामने है ये मेन मंदिर जो है विष्णु भगवान का। 3 स्टोरी और 79 फीट की ऊंची, पहले 2 फ्लोर में तो बस 50 ही पिलर है। इसके अलावा जगदीश मंदिर के जस्ट ये यहाँ से गेट आता है बैक साइड पे, यहाँ से ये इधर से बाकी बिहारी जी का भी मंदिर है, ये रहा, ये रहा बाकी बिहारी जी का मंदिर, जय हो बाकी बिहारी जी की। गंगोर घाट फिर द्वारा आया हूँ, यहाँ पर म्यूजिक होता है रात को, बहुत सही है सनसेट के साथ, बहुत मज़ा आता है। तो ये टिकट ले लिया और बाकी को देखने जाना है, और बहुत खूबसूरत सनसेट भी हो रहा है देखो, अब थोड़ा इसको एंजॉय करते हैं, आपको मिलते हैं इस सनसेट में। और यहाँ बोटिंग भी हो रही है देखो, और ये है टाइम लैप्स अपना, मतलब यहाँ पे टाइम लैप्स भैया लात मत मार देना बस।
थिएटर शो है वो देखने के लिए, तो आपको डायरेक्ट वहीं मिलता हूँ। अभी एंट्री वगैरह करवानी पड़ेगी। मगोर की हवेली। और हर शाम को 7 बजे यहाँ पर एक कल्चर शो होता है जिसको बोलते हैं धरोवर, जिसकी टिकट लगभग 200 रुपये है, और अगर आप कैमरा यूज़ करते हैं तो आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। यहाँ पर फोक डांस, गाना बताना या डांस, हर तरह की परफॉर्मेंस होती है, और आप इसको बिल्कुल भी ना मिस करें। अगर आप उदयपुर घूमने आ रहे हैं तो 7 से 8 बजे का शो ज़रूर बुक करें शाम का। राजस्थान के चारों कोनों से यहाँ पर कलाकार आते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। घूमर, चारी, तेरा ताली और कुतपुतलियों जैसे बहुत सारे कलाकार, बहुत सारी कलाएं यहाँ पर दिखाई जाती है। अलग अलग राजस्थानी फोक डांस होते हैं यहाँ पर। 1 घंटे के शो में आप 1 मिनट भी अपनी नज़र नहीं हटा पाएंगे। यहाँ पर छोटे से छोटे बच्चे और बड़े बूढ़े सब यहाँ पर आते हैं और कल्चर शो को इंजॉय करते हैं। कल्चरल शो हम तो बहुत क्रेजी, मैं सारा रिकॉर्ड नहीं कर सकता था, बट जितना हो सके उतना रिकॉर्ड करके आपको दिखाया मैंने। बट बहुत ज़्यादा 1 घंटा ऐसा मज़ा आ रहा था ना, मतलब मन नहीं कर रहा था वहाँ से उठने का। बट अब हम लोग निकल चुके हैं, अब ये हमारा डे ख़त्म हो चुका है, और ये खूबसूरत से घाट में अभी हैं हम लोग, गंगोर घाट पे ही हैं। गंगोर घाट से थोड़ा सा, मतलब गंगोर घाट के बगल में ही है वो, हाँ बगल में ही है जहाँ से मैंने टिकट ली थी। आपको दिखा देता हूँ मैं एक बार, यहाँ से टिकट लेनी होती है और ये अंदर है, ठीक है। तो मतलब पैसा वसूल है भाई, पैसा वसूल, आओ और एंजॉय करो इसको। तो अब इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब मैं कल का पूरा शेड्यूल प्लान करूँगा कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। मगर कल्चर देख के ना इतना अच्छा लग रहा है ना कि मतलब पूछो मत कि भाई, इतना ब्यूटीफुल कल्चर है अपने इंडिया का, और हम लोग कहाँ वेस्टर्न कल्चर में जी रहे हैं। बट बहुत सुंदर, मज़ा आ गया। ज़रूर कोई भी उदयपुर आ रहा था, मैं रिकमेंड करूँगा कि यहाँ ज़रूर आओ भाई, यहाँ आके देखो कि क्या मज़ा आ रहा है, क्या चीज़ दिख रही है, ठीक है। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, कल मतलब मेरा कल और आपका नेक्स्ट ब्लॉग, ठीक है। तो यहाँ तक आए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करके ज़रूर जाना, ठीक है भाई। और ये खूबसूरत सी घाटियों, खूबसूरत घाट के पास हम कर रहे हैं अपने ब्लॉग को खत्म। बाय बाय।